कैनेडी यूनिवर्सिटी में सजा रोबोटिक्स का मेला। 120 स्कूल के तलबा आमने सामने। रोबोटिक्स मुकाबले में हर किसी ने अपनी महारत दिखाई है। अपना प्रोजेक्ट पेश करके अच्छा लगा। प्राउड फील होता है कि लोग जो आगे बढ़ गए, जो एनजी यूनिवर्सिटी में अब वो काम कर रहे हैं, वो हम अभी से स्कूल में कर रहे हैं। सो दैट्स वेरी नाइस, क्योंकि मैं कुछ बनना चाहता हूँ इसमें। जब मैं अगर मैं छोटी उम्र से शुरू कर दूँ तो शायद मैं आगे जाके कुछ इंजीनियर बन पाऊँ, रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड दैट आल्सो काइंड ऑफ स्टफ। हमारा आगे पूरी टेक्नोलॉजी आईटी और इसी चीज पे बेस कर रही है, तो इसको एज बहुत ज्यादा इंकरेज करने की जरूरत है। स्कूल्स को इस तरह के इनिशिएटिव्स और लेने चाहिए ताकि बच्चों में आए और वो इस चीज में उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट अप होगा इससे। एनईडी एडवान मुस्तकबिल के इंजीनियर्स को तैयार कर रहा है। 100 टीम्स हैं, व्हिच मींस के 500 के करीब स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर द कराची, 2 क्लास से लेके 8 क्लास तक। ठीक है, वो अपने रोबोट्स बना के लेके आए हुए। ठीक है, अब रोबोट्स बनाने में वो इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट्स भी उन्होंने खुद बनाए, उसकी प्रोग्रामिंग भी खुद की है। ठीक है, और फिर यहाँ पे वो टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं सारी चीज़। एनईडी यूनिवर्सिटी के पास आउट तलबा माजी में अपने कारनामों से नाम तो बनाते रहे हैं, मगर स्कूल के तालिब इल्मों को रोबोट्स की दुनिया में ला कर दाद के हकदार हैं। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ सोनिया शहजाद, समा कराची।